क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश पारस है। क्या कुछ कहना चाहिए? एक लेटर आपने डीएम को लिखा है, क्या लेटर है ये? है कि कब्रिस्तान के अंदर जाकर कुछ परिवार ऐसे रहते हैं जो दूसरी नौकरियाँ डाल के यहाँ पर रह रहे हैं, और अधिकांश उनमें से अनआइडेंटिफाई लोग हैं, और उनके बच्चे जो है वो यहीं पर रहते हैं और भीख मांगते हैं, बाहर भी भीख मांगते हैं। और ये कुछ लोगों से जब जानकारी की गई तो अधिकांश के पास में आधार कार्ड या कुछ ऐसे तरह के दस्तावेज नहीं है जिनसे पुष्टि हो सके कि ये यहाँ के रहने वाले हैं। कुछ लोगों से बातचीत के यही तो प्रदेश के कई जिलों के बाहर के लोग हैं जो अपने आप को बता रहे हैं, तो लेकिन उनका ये अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनका सत्यापन हो, और जिस तरह से जो बच्चे भीख मांगते हैं या भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं खा रहे भी हैं, उनको सरकारी स्कूल में दाखिला था जिससे ये बच्चे पढ़ सकें। मेरा नाम नरेश पारस है और यहाँ पचपिया कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पर, और इसमें जाकर देखा था तो यहाँ पर कई परिवार रहते हैं, करीब 80 से 100 के आसपास परिवार रहते हैं यहाँ पर, और वो सभी लोग बाहर के रहने वाले बताए जाते हैं। जब इनसे बातचीत की तो इन्होंने कई बाहरी जनपदों के इन्होंने अपने आप को निवासी बताया, कुछ के पास में दस्तावेज ही नहीं है, कुछ के पास में दस्तावेज थे, मोस्टली इनके पास में दस्तावेज नहीं है, कहाँ से आए हैं, कौन है ये, तो ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। और जबकि कब्रिस्तान के अंदर केवल कब्र बनाने की इजाजत होती है, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि यहाँ पर संचालित नहीं हो सकती है। ऐसे में मैंने इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन से मैंने शिकायत की थी कि यहाँ पर ACM यहाँ कब्रिस्तान में रहने वाले सभी लोगों को सत्यापन कराया जाए, ये लोग कहाँ के हैं, और इन यहाँ जो बच्चे रहते हैं वो स्कूल भी नहीं जाते हैं, ना आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए हैं, इन बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। यहाँ पर जो मांगने के लिए जाते हैं ये, फिर यहाँ पर कोई बांटने के लिए आता है उसी पर ये रहते हैं, और भिक्षावृत्ति में ये लोग संलिप्त हैं। तो ऐसे में प्रयास ये था कि इन बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू करा के इनको सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाए। तो आज प्रशासन की टीम यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आई थी, इन्होंने पूरी समस्याओं का जायजा लिया है और लोगों से बातचीत की है, तो इन्होंने 5 दिन का समय दिया है, जितने भी इनके पास में दस्तावेज हैं वो सारे दस्तावेज इन्होंने संकलित कराने के लिए कहा है कि वो कमेटी को उपलब्ध कराएं, कमेटी से फिर ये रिपोर्ट मांगे, फिर उसके आधार पर कार्रवाई की जाए। उम्र हमारी 30 साल की, और क्या, शादी हो गई, यहाँ चले।